इमरान खान की कॉल पर पीटीआई की रैलियों का शेड्यूल जारी, लाहौर की अहम शाहराहें बंद। इलेक्शन होने को तकरीबन 10 रोज बाकी रह गए हैं। मुल्क की बड़ी सियासी जमात के बानी चेयरमैन ताहाल अडियाला जेल में हैं, मगर पार्टी के कैंडिडेट्स इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए सरगर्म अमल हैं। इस हवाले से लाहौर में पीटीआई के उम्मीदवारों ने इंतखाबी कैंपेन चलाने के लिए रैलियों के आगाज का फैसला किया है। पीपी 173 से पीटीआई उम्मीदवार जुबैर खान न्याजी की रैली इतवार को दोपहर 1 बजे फिरदौस सिनेमा चौक और सादा रोड पर निकाली जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पीपी 148 से नामजद उम्मीदवार सबा दीवान हैं। रैली इतवार दोपहर 1 बजे कश्मीर हॉल मरकजी ऑफिस ता शाद बाग इख्तिताम पजीर होगी। एन ए 121 में चौधरी वसीम कादिर की जेर क्यादत रैली का आगाज इतवार को दिन 12:30 पर दारोगा वाला चौक से होगा और बरास्ता शालामार चौक मुगलपुरा कैनाल रोड से होते हुए हरबंसपुरा चौक में रैली इख्तिताम पजीर होगी। पीपी 160 में पीटीआई के उम्मीदवार आजम खान न्याजी हैं। उनकी इंतखाबी रैली इतवार दोपहर 1 बजे बहादुराबाद शिंघाई रोड से बरास्ता शिंघाई पुल फैरोजपुर रोड जनरल अस्पताल से पीको रोड और वहां से कच्चा जेल रोड से होती हुई चुंगी अमर सद्दू इख्तिताम पजीर होगी। इस दौरान लाहौर की इन शाहराहों पर ट्रैफिक का निजाम भी मुतासिर होने का इम्कान है।